देखिए मैंने ये आपको क्वेश्चन असाइनमेंट में भेजे थे। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ कंपनी इज द फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज गिवन 180,000, डिविडेंड कवर इज 3 टाइम्स। डिविडेंड कवर क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय डिविडेंड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड कवर। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ शेयर्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15%। कहता है कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू पर शेयर अज्यूमिंग cost of equity is equal to return on equity. वो जो ROE है, assume करो that is equal to cost of equity, और आप calculate करें जी market value per share. Market value per share के लिए, remember हमारे पास formula होता था, market value is equal to D naught into 1 plus D divided by cost of equity minus D. Cost of equity is given, dividend हम calculate कर लेंगे, growth भी हमें calculate करनी पड़ेगी। Dividend कैसे calculate करेंगे? Profit after tax is 180,000, dividend cover is 3 times. तो dividend cover का actually formula क्या होता है? Dividend cover is equal to profit after tax divided by dividend. Profit after tax given है 180,000. डिविडेंड कवर इज 3, तो डिविडेंड कितना आ जाएगा? 60,000. अच्छा, अगर टोटल डिविडेंड 60,000 है, नंबर ऑफ शेयर्स आर 120,000, तो डिविडेंड पर शेयर कितना आ जाएगा? 60,000 डिवाइड बाय 120,000 इज इक्वल टू 0.5. तो डी नॉट इज 0.5. अच्छा, डी नॉट 0.5 आ गया, कॉस्ट इक्विटी गिवन, अब ग्रोथ कैलकुलेट करनी है. ग्रोथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है जी इज इक्वल टू बी इंटू आर. R is given, B हमें कैलकुलेट करना है, और अगर हम देखें तो B हम कैलकुलेट करेंगे, B is equal to, B होता है रिटेंशन रेशियो, 1 माइनस डिविडेंड दैट इज 60,000 डिवाइड बाय प्रॉफिट दैट इज 180,000, तो यह आ जाएगा 6.67. तो रिटेंशन रेशियो है 0.67, 0.67. आर कितना है? 15%. ग्रोथ कितनी आ जाएगी? 10%. तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे, डी नॉट इज 0.5 इंटू 1.10 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.15 माइनस जी कितना है? 0.10. सो मार्केट वैल्यू इज $11 per share. In second question, company has paid dividend of 72 cents recently and it is expected that next year dividend will be 77 cents and other financial data is. So current year ka dividend hai 72 cents, next year ka dividend hai 77 cents. So hum growth calculate kar sakte hain. Profit after tax is given, number of shares is given, cost of equity you have at 12%. Calculate market capitalization. Market capitalization means आपको टोटल मार्केट वैल्यू निकालनी है. तो हम तो पहले निकालते हैं जी ग्रोथ कितनी आती है. ग्रोथ कितनी आ रही है? 0.77 डिवाइड बाय 0.72 रेज टू पावर 1 ओवर एन 1 माइनस 1 कितनी आ रही है? 6.94%. तो D1 इज 0.77 डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है? 12 माइनस 0.0694. व्हाट इज द मार्केट वैल्यू पर शेयर? 15.21 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स करें 160,000. मार्केट वैल्यू, टोटल मार्केट वैल्यू निकालना है, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट मिलियन, मिलियन में निकालना है, वन डेसिमल में, क्या रहेगा? 2.4 मिलियन. आ जाएगा. प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर ए कंपनी 460,000. ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, पीबीटी. प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 460,000 एट एंड इट इंक्लूड्स वन ऑफ लॉस ऑफ $40,000 फ्रॉम ए बैंकक्रप्ट कस्टमर. वन ऑफ लॉस हो गया जी $40,000 का. लॉस है तो हम क्या कर देंगे? एड बैक. एंड इट हैज 250,000 इक्विटी शेयर्स इन इश्यू.
tax rate is 25%, earning yield is 40%. What is the total market value? Earning yield given है, आपको profit निकालना है, ठीक है? आपको याद होगा, जिस भी कंपनी किसी कंपनी की market value find करनी है, उसकी EPS लें, उसको divide कर दें earning yield और proxy से. अब अगर EPS नहीं है, तो आप profit after tax ले लें. EPS होती तो market value per share में आना था, profit after tax होगा तो market value total में आ गए. तो पहले तो प्रॉफिट को एडजस्ट करें. 460,000 प्लस 40,000 लॉस है, एड बैक कर दे. वन ऑफ इनकम होती तो डिडक्ट कर देते, माइनस कर देते. लेकिन जो आंसर आया है ये आएगा आपका बिफोर टैक्स. इसको क्या कर देंगे? आफ्टर टैक्स, क्योंकि प्रॉफिट का मतलब ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है. कितना आता है? 375,000. So total market value is equal to 375,000 divided by 0.4. 937,500. ये market value है. Question number 4. A company has an earning yield of 25%. And a retention ratio after distributing dividend is 55%. ये नाम भी लिखता ना, after distributing dividend. हमें पता है retention ratio का मतलब 55%. If retention ratio is 55%, that means dividend payout ratio is 45%. If the current year dividend is 0.26, what is the market value per share? अब पता है मसला क्या है? यहाँ dividend valuation model का formula नहीं लग सकता. क्यों नहीं लग सकता? KE नहीं given, possibility नहीं given. रिटेंशन रेशियो से पहला दे में इंप्रेशन ये रहता है कि जैसे डीवीएम लगना, डीवीएम नहीं लग सकता बिकॉज कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज नॉट गिवन द क्वेश्चन. सर क्या करें? अच्छा, अर्निंग यील्ड गिवन है, अर्निंग यील्ड गिवन है तो क्या पता होना चाहिए? ईपीएस पता होनी चाहिए. अर्निंग यील्ड गिवन है तो ईपीएस पता होनी चाहिए. डिविडेंड गिवन है, डिविडेंड पे आउट रेशियो गिवन है, डिविडेंड गिवन है, डिविडेंड पे आउट रेशियो गिवन है, तो रिवर्स कैलकुलेशन करके क्या निकालेंगे? ईपीएस. याद है आपको फॉर्मूला होता था डिविडेंड पे आउट रेशियो का? डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय ईपीएस. अब इस क्वेश्चन में देखें, डिविडेंड पर शेयर गिवन है, पे आउट रेशियो गिवन है, तो ईपीएस आप निकाल लें. अच्छा, डिविडेंड पर शेयर कितना गिवन है? 0.26. पे आउट रेशियो कितनी गिवन है? 0.45. तो ईपीएस आएगी आपकी 0.26 डिवाइड बाय 0.58. अगर ईपीएस 0.58 है इनटू 1/0.25, सो मार्केट वैल्यू विल बी 2.32. तो आंसर आ जाएगा $2.32. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए. A company has a 7-year 9% loan notes issued 2 years ago, which are redeemable in 5 years time. अब 5 साल हैं, 5 साल हैं, 5 साल से ज़्यादा नहीं हैं, 5 साल ही हैं. अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं which are redeemable in 5 years time at a discount of 5% to their face value. Before tax KDA जी 12%, tax rate है 30%, par value 1,000. तो सॉल्व करते हैं इसको. कितने साल का हम वो लेंगे? 5 years. सबसे पहले आ जाएगा ईयर, 1 to 5 years, 5 कैश फ्लोस. कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट है? 1000 कितना बनेगा? 90. एंड पे कितना आ जाएगा? 950. और डिस्काउंट रेट हमेशा क्या होगा? रिक्वायर्ड रिटर्न और बिफोर टैक्स केडी. बिफोर टैक्स केडी कितना है? 12%. करेंट डिस्काउंट क्या आता है? एनुअलिटी फैक्टर निकाले 5 इयर्स का. नहीं करना, मार्केट वैल्यू में टैक्स माइनस नहीं करते. कैलकुलेट करें जरा, 12% पे एनुअलिटी फैक्टर क्या आता है? 3.60.
डिस्काउंट फैक्टर पॉइंट 0.567, क्या आता है ये पहले वाला 324.538. टोटल आंसर इज 863 डॉलर आ रहा. एन 8% कन्वर्टेबल लोन नोट विद द रिडेम्पशन पीरियड ऑफ 7 ईयर will be redeemed at a premium of 5% to this to its face value. Convertible loan 8% is the coupon rate with a redemption period of 7 years. 7 years ka kya hai? Time period hai, maturity hai. 5% premium uske redemption value ke upar hai. Conversion rate at 20 shares at the end of the 7th year. Current market value 3.6 is that is predicted that it will grow with a growth of 6%. Investor required rate of return is 7%. अगर टैक्स रेट 30% है कहता है व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ लोन नोट. हमने इस पे क्या निकाली है पहले, सबसे पहले कन्वर्जन वैल्यू. अगर हम देखें तो कन्वर्जन वैल्यू का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स. नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 20 शेयर्स. करंट मार्केट वैल्यू इज 3.66. Raise to power 7 years 110. Conversion value is 110. Redemption value कितनी है? 105. तो हम दोनों में से कौन सा चूज करेंगे? 110. अच्छा आप इसका टेबल बनाते हैं. कूपन रेट कितना है? 8% है. ठीक है. अच्छा कूपन रेट 8% आ गया, years आ गए 1 to 7, 7, कैश फ्लो 8, 110. बिफोर टैक्स केडी कितना है? बिफोर टैक्स केडी है 7%. 7% में डिस्काउंट कर देंगे, प्रेजेंट वैल्यू आएगी, आंसर आ जाएगा मार्केट वैल्यू. व्हाट इज द आंसर? क्या आ रहा है? 111 point. ये आंसर क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर है. A 9% convertible loan with a redemption period of 6 years will be redeemed at par or having conversion rate of 25 shares at the end of year 4. Year 4 ke upar conversion hai aur 6 year ke upar redemption hai. Current market value of share is 3.87. It is expected that it will grow with a growth of 6%. YTM hai 7%. YTM kehte hain required return ko. ग्रोथ है 1.06. कितने साल तक ग्रो करेगा? 4 years. कितना आ गया? 122. और अगर रिडम्पशन वैल्यू होती है तो रिडम्पशन वैल्यू में एक्स्ट्रा चीज क्या है जी? एक तो रिडम्पशन वैल्यू है 100 प्लस 9% आप इंटरेस्ट रिसीव करोगे इन ईयर 5 और फिर 9% रिसीव करोगे इन ईयर 6. आपको 118 मिलेगा. 118 मिलेगा ईयर 5 और 6 में. 122 मिल रहा है ईयर 4 में. तो हम डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है, इस बॉन्ड को कन्वर्ट करना. अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो आपने स्ट्रक्चर लेना है 4 इयर्स का. कैश फ्लोज आ गए 9, एंड पे आ गया 122. डिस्काउंट रेट रिक्वायर्ड रन कितना था? 6%. 7% था. YTM इज 7%. तो 7% में हम क्या कर लेंगे, इसको डिस्काउंट कर लेंगे, मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी. करें जरा 4 साल का एनुअल फैक्टर निकालें. 3.387 और डिस्काउंट फैक्टर 0.763. क्या आता है प्रेजेंट वैल्यू? नहीं, 9 × 3.387 क्या आता है? 30.48. और नीचे वाला 93.2. कितना आ गया टोटल?
120? 3.56. Round off? Round off to whole number. 124 answer. 124 answer. Company has generated profit before tax of 450,000. A company has generated PBT 450,000. Company has history to retain at least 60% of the profit. Agar company retain kar rahi hai 60%, to distribute kitna kar rahi hai? 40%. Company has 800,000 equity shares in issue. Distributed profit will grow. Distributed profit ka dusra naam kya hota hai? Dividend. Distributed profit means dividend. Distributed profit will grow with 7% growth in next 3 years. Then it will achieve constant growth of 2% for the foreseeable future. Pehle 3 saal ye grow karega 7% se, baad mein hamesha ke liye grow karega kitne se? 2% se. Cost equity 10%. What is the market value of the company? Assuming tax rate is 30%, round off up to 2 decimal. Karna hai aapne. Round off to nearest million. Achha. Total market value nikalte hain. Total market value. To start karte hain sabse pehle 450,000 aapka kya hai? Profit before tax. Pehle to usko kya karenge? After tax. Phir iska kya lenge? 40%. To mere paas kya aa jayega? Dividend. But dividend phir agle kitne saalon ke liye grow karega? 3 saal ke liye 7%, phir kitne ke liye karega? 2%. 450,000 ko karte hain after tax. PBT is 450,000. Profit after tax nikale 315,000. और इसका 40% डिविडेंड है 1 to 6 triple 0. और ये मल्टी ग्रोथ मॉडल है. मल्टी ग्रोथ नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए ये बढ़ेगा 7% से और फोर्थ ईयर ऑनवर्ड ये हमेशा के लिए बढ़ेगा 2% से. तो 126,000 को बढ़ाएं नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए 134,820. 7 फिर 7% बढ़ाएं दोबारा 144,257. फिर बढ़ाएं 7% से 154,355. और इसके बाद यही डिविडेंड आगे आएगा और हमेशा के लिए कितने परसेंट से बढ़ेगा? 2% से. डिस्काउंटेड कितना था? 10%. इसका आ जाएगा 0.909, 0.826, 0.751 और ये आ जाएगा 0.10 माइनस 0.02. इसका डिस्काउंट फैक्टर भी क्या आ जाएगा? 0.751. देखें क्या आता आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंपनी हैज अर्निंग यील्ड ऑफ 25%. Amount of dividend paid in current year is 200,000. Number of shares are 800,000. Company has a dividend cover of 2.5 times. मेरे ख्याल में अब ये मसला नहीं है. अर्निंग यील्ड गिवन है. You need to calculate profit. Profit आ जाएगा. अर्निंग यील्ड गिवन है तो क्या कैलकुलेट कर सकते हो? मार्केट वैल्यू. डिविडेंड कवर है 2.5. अगर डिविडेंड कवर है 2.5, डिविडेंड कवर का फॉर्मूला याद है ना? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय डिविडेंड. डिविडेंड कवर है 2.5, डिविडेंड है 200,000. तो ये आ जाएगा 2.5 एंड 200. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा? 500,000. सो मार्केट वैल्यू इन टोटल विल बी 500,000 इनटू 1 ओवर 0.25 है. 0.25. सो मार्केट वैल्यू विल बी 2 मिलियन. अब पर शेयर कैलकुलेट कर लें 2.5.
So answer of question number 10 is 2.5. आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, आप पहले डिविडेंड पर शेयर निकालें, फिर डिविडेंड कवर का फॉर्मूला यूज करके ईपीएस निकालें, ईपीएस को मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें सॉरी अर्निंग यील्ड से, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा डिविडेंड सॉरी मार्केट वैल्यू पर शेयर। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर आए, कहते हैं कंपनी इट इज एन अनलिस्टेड कंपनी दैट हैज अ ईपीएस ऑफ 1.4, मार्केट वैल्यू ऑफ ए सिमिलर लिस्टेड कंपनी 6 एंड इट्स ईपीएस इज 1.2, कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू पर शेयर ऑफ कंपनी यूजिंग प्रॉक्सी कंपनी डेटा। तो मेरी कंपनी की ईपीएस गिवन है, प्रॉक्सी कंपनी की मार्केट वैल्यू और ईपीएस दोनों गिवन है, तो हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉक्सी कंपनी की पी रेशो और उसको अपनी ईपीएस से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो पी रेशो किस तरह आएगी, प्रॉक्सी का आप लोग क्या पकड़ेंगे मार्केट वैल्यू और ईपीएस 1.2। पी रेशो कैलकुलेट करें 6 / 1.2 कितना आता है 5। सो मार्केट वैल्यू ऑफ ब्रॉन्ज को कितनी है मार्केट वैल्यू 1.4, ईपीएस 1.4 इंटू 5। आंसर वैसे होना तो 7 चाहिए बट ये अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी का आंसर प्रॉक्सी के इक्वल नहीं आ सकता, लिस्टेड कंपनी के इक्वल नहीं आ सकता, कम आना चाहिए। सो इट शुड बी लेस देन 7 ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन यूजिंग नेट एसेट बेसिस फॉर द वैल्यूएशन ऑफ ए कंपनी दैट इज नॉट अ गोइंग कंसर्न, एसेट्स आर वैल्यूड एट, क्या आंसर होगा रिलायबल वैल्यू, रिलायबल वैल्यू इज द आंसर। जब आप ऐसे ऐसी कंपनी को वैल्यू कर रहे हैं जो गोइंग कंसर्न नहीं है तो रिलायबल वैल्यू पे बेस होगी, और अगर गोइंग कंसर्न होती तो रिप्लेसमेंट वैल्यू पे होती। कहता पी कंपनी इशूड 7% इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 3 years अगो, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर है जी 12, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू पर शेयर, कंपनी टैक्स दे रही है 28%, आपने प्रेफरेंस शेयर में टैक्स नहीं लेना, 3 साल पहले इशू किया हो, 2 साल पहले इशू किया हो, जब वो बॉन्ड ही इरिडीमेबल है तो लाइफ भी नहीं आनी, तो कितने परसेंट उसका इंटरेस्ट है 7, तो याद आएगा आंसर 0.07 डिवाइडेड बाय 0.12, सो मार्केट वैल्यू विल बी 0.58 इज द आंसर, 0.58 आंसर। क्या आंसर है जी सी आंसर। कहता है गार्नर कॉर्पोरेशन इज इन्वेस्टिंग 30 मिलियन इन अ न्यू कैपिटल इक्विपमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर आफ्टर टैक्स कैश फ्लो जनरेटेड बाय द इक्विपमेंट इज एस्टिमेटेड टू बी 50 मिलियन। You are investing 30 million और पूरी present value of inflow मिल रही है 50 million, तो NPV कितने से आ गई है 20 million, 20 million की NPV है। Currently company has a stock price of $28 per share with 8 million share outstanding. Assuming that this project represent new information and is independent of other expectation about the company, what should be the new stock price? अब जरा देखिएगा, एक कंपनी इन्वेस्ट कर रही है 30 मिलियन, कंपनी को जो फ्यूचर कैशटोस का रिटर्न मिल रहा है वो मिल रहा है 50 मिलियन, तो इसका मतलब एनपीवी ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट इज 20 मिलियन। कंपनी की करंट शेयर प्राइस कितनी है 28, शेयर्स कितने हैं 8, सामने देखिएगा एनपीवी ऑफ न्यू प्रोजेक्ट 20 मिलियन डॉलर, 50 - 30, कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर जो इश्यूड शेयर कैपिटल है वो कितना है जी 8 मिलियन, जो शेयर्स है 8 मिलियन शेयर्स, ऐसे ही 8 मिलियन, 8 मिलियन शेयर्स। करंट मार्केट वैल्यू ऑफ गार्नर कॉर्पोरेशन कंपनी 8 मिलियन इंटू 28 244 मिलियन डॉलर,
224 224 मिलियन डॉलर. हमने पढ़ा था whenever you accept a positive NPV project, the other statement, it will directly increase the wealth of shareholders. So 224 is the current wealth of the shareholders. If you accept the new project of $20 million, so $20 million is 224 mein add ho jayega, jo naye wali wealth hai, new wealth, wo jayegi $244 million. क्या नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हुए हैं कंपनी के? नहीं, शेयर्स अभी भी कितने हैं? 8 मिलियन. तो न्यू मार्केट वैल्यू कितनी निकल आएगी उस कंपनी की? 244 डिवाइड बाय 8 कितना आ गया? $30.5 उस कंपनी की नई मार्केट वैल्यू है, न्यू मार्केट वैल्यू. इसको एक और तरीके से भी कर सकते थे, जरा देखिएगा. करंट शेयर प्राइस है 28, एनपीवी पर शेयर ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, एनपीवी पर शेयर ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट, एनपीवी है 20 मिलियन डिवाइड बाय 8 मिलियन, तो पर शेयर कितना आ गया? 2.5. तो पुराने वाली मार्केट वैल्यू में ये 2.5 जब ऐड होएगा तो न्यू मार्केट वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30.5. याद रखिएगा, हम जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पढ़ते थे ना कि एनपीवी से शेयर वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर बढ़ जाएगी, तो एक्चुअली जितनी एनपीवी आएगी उसको नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड करना, वो आ जाएगा आपके पास इंक्रीज इन प्राइस. पुराने वाली मार्केट वैल्यू में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगी? नई वाली मार्केट वैल्यू. लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट, नेगेटिव एनपीवी क्यों नहीं सेलेक्ट करते थे? अगर कोई प्रोजेक्ट नेगेटिव एनपीवी दे रहा है डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, उतने से मार्केट में क्या हो जाएगा? तो इस तरह से आपने ये सेलेक्ट करना है. तो आंसर विल बी 30.5. क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर 30.5 आ रहा है. 30.5. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एफिशिएंट कैपिटल मार्केट? एफिशिएंट कैपिटल मार्केट के कौन-कौन से फीचर्स नहीं है? एलोकेशन ऑफ फंड्स टू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज है एलोकेटिव एफिशिएंसी, ये फीचर है. ऑपरेशनल एफिशिएंसी फीचर है. इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग एफिशिएंसी फीचर है. कौन सा नहीं है? लैक ऑफ कंपटीशन है, ये फीचर नहीं हो सकता. कंपटीशन होगा. और इन्वेस्टर कैन बोरो लैंड एट रिस्क फ्री रेट होता है, मार्केट रेट नहीं होता. लास्ट टू आर नॉट द फीचर ऑफ एफिशिएंट कैपिटल मार्केट, लास्ट टू. ठीक है, नेक्स्ट आ जाए. क्वेश्चन नंबर 51. अ 10% लोन नोट इज कन्वर्टेबल इनटू 20 शेयर्स और रिडीमेबल एट पार एट द एंड ऑफ ईयर 5. करंट मार्केट वैल्यू ऑफ ए शेयर है जी $4.3. इट इज एक्सपेक्टेड दैट शेयर प्राइस विल ग्रो विद अ ग्रोथ ऑफ 6%. टैक्स रेट है 30%. बिफोर टैक्स के लिए 8%. कन्वर्जन प्रीमियम निकालना है. मसला, कन्वर्जन प्रीमियम निकालने के लिए पहले क्या निकालनी पड़ेगी? मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड. मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड निकालेंगे. कैसे निकालना है जी? पहले क्या निकालेंगे? कन्वर्जन वैल्यू. शेयर कितने हैं? 20. करंट शेयर प्राइस है 4.3. ग्रोथ कितनी है? 6%. और ईयर कितने हैं? 5. निकालें, कैलकुलेट करें. शेयर्स कितने थे? 4% ना ग्रोथ, कितना आता है? और रिडेम्पशन वैल्यू कितनी है? चलिए मार्केट वैल्यू निकालते हैं. इयर्स 1 to 5, 5. कैश फ्लो बॉन्ड कूपन क्या है जी इस बॉन्ड का? 10%. 10, 1, 1, 5. और रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है? 8%. निकालें जरा क्या आती है 8% के ऊपर. एनुअलिटी फैक्टर देखें 5 साल का, 3.99 आ जाएगा, 39.93. और ये डिस्काउंट फैक्टर पॉइंट क्या आता है? 11.825.
सो कन्वर्जन वैल्यू का, कन्वर्जन प्रीमियम का फॉर्मूला था मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड माइनस करंट कन्वर्जन वैल्यू। कन्वर्टेबल बॉन्ड की वैल्यू आ गई है 118.25 माइनस करंट कन्वर्जन वैल्यू कितनी है 20 शेयर्स हैं और 4.3 का एक शेयर है, करें माइनस कन्वर्जन प्रीमियम निकाल 32.25। राउंड ऑफ करने का क्या है 32 आंसर आ जाएगा, 32 आंसर। कहता हाउ कैन अ कंपनी मैक्सिमाइज इट्स कन्वर्जन प्रीमियम ऑन ए कन्वर्टेबल लोन नोट। कन्वर्जन प्रीमियम आप कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, फॉर्मूला देखे ना, फॉर्मूला कन्वर्जन प्रीमियम का है मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड माइनस करंट कन्वर्जन वैल्यू। आप मार्केट वैल्यू कन्वर्टेबल बॉन्ड को नहीं छेड़ सकते, आप करंट कन्वर्जन वैल्यू में करंट शेयर प्राइस को भी नहीं छेड़ सकते क्योंकि वो भी मार्केट ड्रिवन हो। एक चीज को आप छेड़ सकते हैं वो है नंबर ऑफ शेयर्स। अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स कम ऑफर कर दें तो कन्वर्जन प्रीमियम खुद ब खुद क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब नंबर ऑफ शेयर्स कम ऑफर करोगे तो करंट कन्वर्जन वैल्यू हो जाएगी कम, माइनस होने वाला आइटम अगर कम हो जाए तो कन्वर्जन प्रीमियम क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। तो आंसर विल बी बाय ऑफरिंग लेस नंबर ऑफ शेयर्स। 53 वॉरेंट्स आर ट्रेडेड देयर बुक वैल्यू फॉल्स। जब भी कोई चीज ट्रेड होती है किसके ऊपर ट्रेड होती है, मार्केट वैल्यू के ऊपर, मार्केट वैल्यू के ऊपर ट्रेड होगा। वॉरेंट्स गिव राइट टू कन्वर्ट डेट इनटू इक्विटी, नहीं, वॉरेंट्स आपको राइट देता है कि आप इस कंपनी के और शेयर्स बाय कर सकते हैं। डेट का इक्विटी में कन्वर्ट होना कन्वर्टेबल बॉन्ड है, डेट विद वॉरेंट्स में वॉरेंट जस्ट आपको राइट देता है टू बाय न्यू शेयर्स, फॉल्स। वॉरेंट्स आर सिमिलर टू कॉल ऑप्शन, ये ट्रू है। वी विल कवर दिस कॉल ऑप्शन टॉपिक इन रिस्क मैनेजमेंट। व्हाट इज द जनरल मीनिंग ऑफ कॉल ऑप्शन, राइट टू बाय। और वॉरेंट्स में भी क्या होता था, राइट टू बाय शेयर्स ऑफ दिस कंपनी एट दिस प्राइस। सो कॉल ऑप्शन इज सिमिलर टू वॉरेंट्स, वॉरेंट इज सिमिलर टू कॉल ऑप्शन। वॉरेंट्स आर नॉन ट्रेडेबल, फॉल्स, ट्रेड करते हैं मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, कंपनी इज एन इश्यू कैपिटल एजी 4 मिलियन, हैविंग करंट मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर एट 2.7, वांट टू रेज फर्दर कैपिटल टू फाइनेंस अ मशीन कॉस्टिंग 4.2 मिलियन बाय इशूइंग वन न्यू शेयर फॉर एवरी 2 एग्जिस्टिंग शेयर्स। इश्यू कॉस्ट है 200,000, मशीन की कॉस्ट कितनी है 4.2, इश्यूएंस कॉस्ट कितनी है 2 लाख, तो पैसा रेज ही कितना करेंगे 4.4। अच्छा, अब अगर हम गौर से देखें इसको सॉल्व करते हैं, आपको याद है फंड रेज का फॉर्मूला क्या था, फंड रेज इज इक्वल टू राइट शेयर्स राइट प्राइस। फंड रेज आ गए हैं 4.4 मिलियन, क्या राइट प्राइस गिवन है क्वेश्चन में, नहीं, लेकिन एक चीज गिवन है, हर 2 के बदले एक नया शेयर मिल रहा है। तो पहले शेयर्स कितने थे 4 मिलियन, पहले शेयर्स कितने थे 4 मिलियन, ठीक है। अब आपने कितने शेयर इशू करने हैं 2 मिलियन, तो राइट प्राइस निकाल दे मुझे कितनी आती है, राइट प्राइस आ जाएगी $2.2 वो 4.4 मिलियन है ना, आप इसको परेशान है ना, वो 4.4 मिलियन कर लें। $2.2 आ जाएगा। अच्छा, अब कैलकुलेट करें थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, पुराने वाली मार्केट वैल्यू कितनी थी 2.7 इंटू 4 मिलियन
प्लस फंड रेज है 4.4 मिलियन, माइनस इश्योरेंस कॉस्ट है 0.2, पुराने शेयर्स हैं 4 मिलियन, नए शेयर्स हैं 2 मिलियन। आंसर निकाले क्या? $2.5। Get a deep discount bonds are issued at discount and no interest is paid on them. True or false है? Interest होता है. Shares have priority over the ordinary shareholders and the debt holders. False. Bank overdraft is more flexible compared to short-term bank loan. देखो flexible है, it's true. Bank loan में interest rate lock हो जाता है, amount lock हो जाती है, वो change नहीं हो सकती. अगर तुमने 2 लाख का loan लिया, तुम utilize करो ना करो, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना ही देना। अगर ओवरड्राफ्ट 2 लाख का लिया है तो जब वो यूटिलाइज करोगे इंटरेस्ट तब देना, नहीं यूटिलाइज कर रहे, जिस दिन यूटिलाइज नहीं किया उस दिन इंटरेस्ट नहीं देना, जिस दिन यूटिलाइज कर लिया उस दिन इंटरेस्ट देना है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक्चुअली मोर फ्लेक्सिबल हो। इन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स बॉन्ड होल्डर्स हैव राइट टू कन्वर्ट इट बिफोर और आफ्टर रिडेम्पशन डेट। फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 56। AYZ company has a 5-year 12% redeemable bond. It is redeemed at par. Current market value of the bond is 117.59. Company is about to pay its first annual interest with the remaining 4 years of maturity. तो याद रखिएगा, आपने cost of debt find करनी है, तो ये cumulative market value है, about to pay interest है, cumulative market value. तो 12 को $12 आ रहा है ना interest. तो $12 माइनस करते हैं 117.59 से आ जाएगा 105.59। क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखी हुई है, कंपनी इज अबाउट टू पे इट्स इंटरेस्ट, सो इट्स अ क्यूमुलेटिव मार्केट वैल्यू। आपने क्या फाइंड करनी है? एक्स। तो एक्स मार्केट वैल्यू आएगी 117.59 माइनस 12, 105.59। तो केडी आएगा 1 to 4 years है, 105.59, इंटरेस्ट कितना है 12, टैक्स कितना है, तो 12 को आफ्टर टैक्स करो क्या आता है 8.4, एंड पे आ जाएगा 100, फर्स्ट डिस्काउंटिंग कर लेना 5% पे। सॉल्व किया किसी ने? और सेकंड डिस्काउंटिंग कर लेना 10% पे। आपके पास फिर केडी फाइंड कर लेंगे, क्या आता जी 5% पे सॉल्व करें? द फॉलोइंग आर नॉट कैपम अजम्पशन, ऑलवेज द रिस्क अवर्स एंड रेशनल, रिस्ट्रिक्टेड बोरिंग नहीं, अनलिमिटेड बोरिंग होती है। कैपम इज ओनली वैलिड फॉर सिंगल पीरियड मॉडल, ये दोनों गलत है। देखो एक तो अनलिमिटेड बोरिंग इज अवेलेबल, इन्वेस्टर्स कैन बोरो और लैंड एट रिस्क फ्री रेट, अनलिमिटेड बोरिंग होती है अवेलेबल। दूसरा कैपम इज अ सिंगल पीरियड मॉडल, मल्टी पीरियड मॉडल नहीं है, कैपम एक पीरियड के लिए वैलिड रहता है बस। अगर कोई इंफॉर्मेशन चेंज हो गई तो कैपम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। दोनों आंसर नहीं है। नेक्स्ट है, शेयर ऑफ सफायर कंपनी हैव अ मार्केट प्राइस ऑफ 98 सेंट ईच, इट इज एक्सपेक्टेड दैट डिविडेंड ऑफ It is expected that dividend in 1 year time will be 12 cent per year. D1. The cost of equity is 16%. If the expected growth in future dividend is the cost and annual percentage, what is the expected annual dividend growth? Market value formula hoga, market value is equal to D1 divided by cost of equity माइनस जी। D1 गिवन है, मार्केट वैल्यू गिवन है, KE गिवन है, क्या कैलकुलेट करना है? ग्रोथ। ट्वेल्व सेंट है, मार्केट वैल्यू कितनी थी? 0.9 है। मैं पहले फॉर्मूला ड्राइव कर देता हूं, ठीक है? इतना समय देखें, फिर क्या होगा? माइनस जी, ये कितना आ गया? 0.16 माइनस 0.12 डिवाइड बाय 0.98, क्या आती है ग्रोथ? 3%, 3.8%।
to decrease in firm's operating risk. कौन सा scenario है जिससे कंपनी का ऑपरेटिंग रिस्क कम हो जाएगा? ऑपरेटिंग रिस्क कहते हैं आपके बिजनेस में फिक्स कॉस्ट कितनी है. ऑपरेटिंग रिस्क कहते हैं आपके बिजनेस में फिक्स कॉस्ट कितनी है. अ डिक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ फर्म्स ऑपरेटिंग कैपिटल विच इज डेट. नहीं, डेट और इक्विटी की बात होती है फाइनेंशियल गियरिंग में, ये ऑपरेटिंग गियरिंग की बात कर रहा है तो ये ऑप्शन तो नहीं है. अ डिक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ द फर्म्स ऑपरेटिंग कॉस्ट विच इज फिक्स्ड. फिक्स कॉस्ट कम हो गई तो इसका मतलब ऑपरेशनल गियरिंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. ये तो आंसर है. और देखते हैं, एन इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ द फर्म्स ऑपरेटिंग कैपिटल विच इज इक्विटी. नहीं, एन इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ द फर्म कॉस्ट विच इज वेरिएबल. नहीं, वेरिएबल कॉस्ट के बढ़ने से कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, फिक्स कॉस्ट के कम होने से ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हो जाती है, ऑपरेटिंग गियरिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है. तो बीटा इज द आंसर. कंपनी हैज जस्ट अनाउंस्ड अ डिविडेंड ऑफ 27 सेंट एंड डिविडेंड इन प्रीवियस ईयर्स वर 4 साल. तो ग्रोथ आ जाएगी. ट्वेंटी सिक्स, सॉरी, ट्वेंटी सिक्स, ट्वेंटी वन, रेज टू पावर वन ओवर फोर माइनस वन, सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट ग्रोथ है. फिर मार्केट वैल्यू कितनी है? 2.86. फॉर्मूला क्या होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी का? डी नॉट प्लस जी डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू प्लस जी. डी नॉट है 0.27, 1.065 डिवाइड बाय 2.86 प्लस 0.065. कंपनी हैज जस्ट अनाउंस द डिविडेंड. यस, आप 0.27 माइनस करेंगे. सेवनटीन पॉइंट सिक्स परसेंट इज द आंसर. नीचे एक मार्केट वैल्यू आनी है, 2.59 आ जाएगी. 2.59 क्योंकि कंपनी ने जस्ट अनाउंस किया डिविडेंड, तो इसका मतलब आपने मार्केट वैल्यू कैंसिल लेनी है एक्स. ठीक है, तो 17.6 ए आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आर सिमिलर टू डेट एज दे ऑफर टैक्स सेविंग. फॉल्स. प्रेफरेंस शेयर के ऊपर टैक्स सेविंग नहीं मिलती. डेट इज चीपर देन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर. ट्रू. यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड इज हायर देन अदर बॉन्ड्स. इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड कहते हैं जो लेस रिस्की बॉन्ड्स होते हैं, जिनकी रेटिंग ट्रिपल बी से ऊपर होती है, लेस रिस्की बॉन्ड होते हैं. वैसे इट इज नॉट द पार्ट ऑफ F9 सिलेबस, इज नॉट द पार्ट ऑफ FM सिलेबस, लेकिन नॉलेज के लिए जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड होते हैं लेस रिस्की बॉन्ड होते हैं. लेस रिस्की बॉन्ड का रिटर्न क्या होता है? कम होता है. तो ये फॉल्स है. कैपम अज्यूम दैट फॉर गिवन रिटर्न इन्वेस्टर विल प्रेफर लोअर रिस्क. यस. रैशनल का मतलब आज देख लें, रैशनल का मतलब क्या होता है? रैशनल का मतलब है, लेट्स से ये दो सिनेरियो लेता हूं, ये रिस्क है, ये रिटर्न है. ये सिनेरियो नंबर ए है, और सिनेरियो नंबर ए में दो आपको सिनेरियो फर्दर सब सिनेरियो में दे रहा हूं. रिस्क दोनों का है लेट्स से 5% एंड 5%, और एक का रिटर्न है 12%, एक का रिटर्न है 10%. तुम वन ऑप्शन चूज करोगे, टू ऑप्शन चूज करोगे? वन. फॉर ए गिवन लेवल ऑफ रिस्क इन्वेस्टर विल प्रेफर हायर रिटर्न. आप कौन सा वाला चूज करेंगे? ये वाला. अब बी सिनेरियो देखिएगा, इसमें भी दो सिनेरियो है, फर्दर सब सिनेरियो. एक दोनों का रिटर्न है 10%, एक का रिस्क है 5%, एक का रिस्क है 4%. कौन सा वाला चूज करेंगे? फॉर गिवन लेवल ऑफ रिटर्न, अगर रिटर्न दोनों सेम है तो कौन सा चूज करोगे? लेस रिस्की. अगर आपने ये दोनों डिसीजन लिए हैं, इसका मतलब आप रैशनल हैं.
समझदार हैं, सही डिसीजन लेते हैं। क्या हम अज्यूम करते हैं लोग रेशनल, ये रेशनैलिटी ये होती है, ट्रू है। रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट ये, व्हाट इज रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट? देखो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, फाइनेंसिंग डिसीजन सोर्स ऑफ फाइनेंस तुम पैसा अरेंज करके इन्वेस्ट कर रहे हो, डिविडेंड डिसीजन डिविडेंड पॉलिसी तुम क्या कर रहे हो, डिविडेंड अरेंज करके लोगों को ज्यादा डिविडेंड देना कम डिविडेंड देना, ये डिविडेंड पॉलिसी में आता है। रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट क्या, सोच समझ के आंसर दीजिएगा, तुम रिटेन करते क्यों हो पैसे को, फाइनेंस करने के लिए, इट इज अ फाइनेंसिंग डिसीजन। देखो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो तुम करते ही हो रिटेन, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो तुम बोरो भी कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो तुम शेयर से भी पैसा ले सकते हो, रिटेन ही क्यों किया, क्योंकि तुमने इंस्टेड ऑफ बोरिंग इंस्टेड ऑफ रेजिंग फंड फ्रॉम एक्विटी तुमने पैसा अपना ही पैसा क्या कर लिया रिटेन, ये फाइनेंसिंग डिसीजन है रिटेन करना। जी सर, एक भी गलत हो गया तो ये MTQ MCQ गलत है, क्रूअल है, लेकिन क्या करें इसकी दुनिया ऐसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कौन सा वाला इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं है? 73 अंडरटेकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिसीजन, डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी ये भी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब ये नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट डिस्पोजल भी इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट है। इश्यूइंग न्यू लोन कौन सा डिसीजन है? फाइनेंसिंग। XYZ कंपनी विद अ शेयर प्राइस ऑफ $3 पर शेयर, कंपनी इज करंटली 100,000 शेयर्स इन इशू, मशीन कॉस्ट है 90, कंपनी विल रेज फंड्स थ्रू राइट इशू टू बाय द मशीन एट 10% डिस्काउंट, इशू कॉस्ट है जी, इश्यू कॉस्ट विल बी 4,000, तो आप पैसा कितना रेज करेंगे? 94,000 आपने पैसा रेज करना है, और कितने के ऊपर शेयर इश्यू करोगे? 2.7 के ऊपर। तो पहली बात है फंड रेज कितना आएगा, फंड रेज है जी 94,000, और एक शेयर इश्यू कर रहे हो आप 10% डिस्काउंट के ऊपर, प्रीवियसली शेयर प्राइस वॉज 3, प्रीवियसली शेयर प्राइस थी 3, तो 2.7 के ऊपर एक शेयर इश्यू किया तो कितने नंबर ऑफ राइट इश्यू कर दिया आपने, देखें 348.15, एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू है 3, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स है 100,000, ये आ गई एग्जिस्टिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्लस फंड रेज 94,000 माइनस इश्यूएंस कॉस्ट डिवाइड बाय पुराने वाले शेयर्स प्लस नए वाले शेयर्स, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस विल बी 2.89 आंसर। द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ न्यू इक्विटी फाइनेंस, राइट इश्यू होता है, पब्लिक शेयर इश्यू होता है, प्लेसिंग होता है, बोनस इश्यू नहीं है, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। Efficient market hypothesis regards the level of efficiency where share prices reflect all information that is publicly available is which of the following? Semi-strong. If the cash flow are expressed in terms of the value of the dollar at time zero, which rate should we use for the NPV calculation? Real rate. In terms of the zero ka matlab kya hai ke kaun se cash flows hain uske andar? Current. Real cash flows. तो हम डिस्काउंटेड भी कौन सा लेंगे? रियल रेट। क्वेश्चन नंबर 90, वेंचर कैपिटल फर्म्स लुक्स टू इन्वेस्ट इन विच काइंड ऑफ द पोटेंशियल कंपनीज, मैच्योर कंपनीज, रेगुलर डिविडेंड पेइंग, हाई ग्रोथ कंपनीज, ब्लू चिप कंपनीज होती हैं जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं, एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं, तो किसमें आप इन्वेस्ट करते हैं? हाई ग्रोथ कंपनीज जिसमें पोटेंशियल आपको ज्यादा नजर आता है। एन अनकोटेड कंपनी दैट इज बिकमिंग अ लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज कैन इश्यू शेयर्स इन स्टॉक मार्केट बाय इंट्रोडक्शन कहते हैं जब आपकी कंपनी ऑलरेडी बहुत ज्यादा बड़े लेवल की प्राइवेट कंपनी होती है ना, बहुत बड़ी कंपनी और प्राइवेट कंपनी है, तो आप स्टॉक मार्केट में शेयर इश्यू करने की बजाय स्टॉक मार्केट में लेस करवा लो,
आपके प्राइवेट शेयर्स को पब्लिक का स्टेटस मिल जाता है, इसको इंट्रोडक्शन कहते हैं। लेट्स से कंपनी एबीसी कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी, बट वो बड़े अच्छे से प्राइवेट कंपनी है, उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टेंस है, बहुत सारे लोगों को उसने ऑलरेडी शेयर्स दिए हैं। तो अब आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट की फी देनी है, आपके प्राइवेट शेयर्स का स्टेटस क्या हो जाएगा? पब्लिक। तो इंट्रोडक्शन तो आंसर नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कि अनकोटेड कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है वो शेयर कैसे इशू कर सकती है? वो शेयर इशू कर सकती है ऑफर फॉर सेल से, ऑफर फॉर सेल इज द आंसर। सेकेंडरी ऑफर क्या होती है? सेकेंडरी ऑफर होती है जब आप दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा शेयर इशू करने जाते हैं, उसको सेकेंडरी ऑफर कहते हैं। राइट इशू क्या होता है? जब अपने ही शेयर होल्डर्स को दोबारा शेयर इशू करो तो वो राइट इशू कहते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो शेयर इशू करना होता है वो ऑफर फॉर सेल में होता है, और स्पेशली उसका नाम क्या होगा? इनिशियल पब्लिक ऑफर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ राइट इशू? चीपर देन रेजिंग फ्रॉम पब्लिक ऑफर है? इंक्रीज इन द शेयर प्राइस आफ्टर इशू? नहीं। इंक्रीज इन गेयरिंग ऑफ द कंपनी? नहीं। रिलेटेड वोटिंग राइट्स आर अनइफेक्टेड? यस। क्यों? क्योंकि पुराने वाले शेयर होल्डर को शेयर दिए तो राइट इशू, वो जो वोटिंग राइट्स है वो क्या होंगे? चेंज नहीं होते। आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 8%, प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 60,000 विल बी एक्सपेक्टेड टू अर्न कैश प्रॉफिट ऑफ 40,000 इन ईयर 1, 50,000 इन ईयर 2, टैक्स एट 30% अकर 1 ईयर इन एरियाज ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉसेस टू व्हिच दे रिलेट। अब आपने एनपीवी कैलकुलेट करनी है, बस थोड़ा सा डिफरेंट ये हो गया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन है, पहले साल का कॉस्ट है 60,000 की, पहले साल में आ रहा है 40, दूसरे साल में आ रहा है 50। कैश फ्लोज कितने हैं? 40,000, 50,000 और ईयर जीरो पे कितना है? 60,000। अच्छा, टैक्स कितना है? 30%। बस 40,000 का 30% लेंगे कितना आता है? 12,000, वो एक साल एरियर में। 50,000 का 30% लिया तो कितना आ गया? एक साल एरियर्स में। अब तीनों को नेट करेंगे, 60,000, 40,000, 38,000, 15,000, we will discount at 8%, calculate the present value, and NPV will be 2304 negative? Negative, yeah, answer. Which of the following statements about venture capital is not correct? Venture capital can be used to fund business startup. Yes, it is a correct statement. Venture capital may realize their investment by selling their shares following flotation. वेंचर कैपिटल एग्जिट किस तरह से लेते हैं? कंपनी की लिस्टिंग करवाते हैं, फ्लोटेशन कहते हैं लिस्ट करवाना कंपनी, ये भी ठीक है। वेंचर कैपिटल वुड नेवर सेट ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी, ये गलत है, ये गलत है। शेयर प्राइस बिहेवियर डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डिस्क्राइब? एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्फ्लुएंसेस अपॉन द ऑपरेशन ऑफ ए कंपनी विद द व्यू टू असिस्टिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आप एक्सटर्नल इंटरनल इन्फ्लुएंसेस को देखते हैं, कंपनी के ऑपरेशंस को देखते हैं, और फिर क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। तो ये कौन से वाली थ्योरी बनती है? टेक्निकल एनालिसिस तो हो नहीं सकती, रैंडम वॉक थ्योरी है, कोई एनालिसिस नहीं है, तो ये फंडामेंटल ही बन सकती है। प्रेफरेंस ऑफ पैकिंग ऑर्डर थ्योरी स्टेट्स दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ फाइनेंस शुड बी यूज्ड फर्स्ट? क्या आएगा? रिटेन फंड्स। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 20,000 फर्स्ट रिसीवेबल इन 4 इयर्स टाइम Year after each year for a total of 10 years. Present value निकालनी है, present value calculate करनी है, 20,000 मिलना है year 4 पे, और फिर वो अगले 10 सालों तक मिलते रहने, मतलब including 4, वो 10 सालों तक मिलना है for a total of 10 years. तो ये होना है 1, 2, 3, कुछ भी नहीं मिलना, 4th year पे मिलना है 20,000, और कब तक मिलते रहना है? 10 सालों तक। तो मैं लगाऊंगा 20,000 इंटू 10 ईयर एनुअलिटी फैक्टर इंटू 3rd ईयर डिस्काउंट फैक्टर, 12% है, लगाएं जरा 20,000, 10 साल का एनुअलिटी फैक्टर निकालें, 5.6 50, और 3rd ईयर का डिस्काउंट फैक्टर, व्हाट इज द आंसर? 804। Is reviewing a profitable investment project
That is a conventional cash flows pattern. If the cash flows for the project, cash flow for the project, initial outlay, future after tax cash flow, all double. Initial investment double हो गई, cash flows double हो गए, future में जो पैसे मिलने हैं सारे double हो गए. Mike would predict that the IRR के ऊपर क्या impact है? IRR आपका same रहे, but NPV बढ़ जाए. NPV बढ़ जाएगी, कैश फ्लो बढ़ गया ना, NPV बढ़ जाएगी, IRR आपका सेम रहेगा. तो बी आंसर है, सी आंसर नहीं है, बी आंसर है. परसेंटेज रिटर्न सेम रहने लेकिन जो एब्सोल्यूट रिटर्न है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. नेक्स्ट, एन एफिशिएंट कैपिटल मार्केट फुली रिफ्लेक्ट्स ऑल द इंफॉर्मेशन करंटली अवेलेबल, फुली रिफ्लेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन करंटली अवेलेबल अबाउट अ गिवन सिक्योरिटी इंक्लूडिंग रिस्क, एक्सक्लूडिंग रिस्क और क्या जी. Does not fully reflect all the information currently available about a given security. क्या जी fully reflect? सारी information का reflect करता है. Informational सारी होती है. B answer. Company announce 118. Company announces fourth quarter earning per share of $1.2. चौथे quarter में आपकी EPS आती है 1.2, which is 15% higher than the last year. पिछले साल से 15% ज़्यादा है. अच्छी न्यूज है. कंपनी अर्निंग्स आर इक्वल टू द कंसेंसस एनालिस्ट फोरकास्ट फॉर द क्वार्टर. एनालिस्ट ने भी इतना ही प्रेडिक्ट किया था कि इतनी अर्निंग आनी है. अज्यूमिंग मार्केट्स आर एफिशिएंट, मार्केट एफिशिएंट है, अनाउंसमेंट विल मोस्ट लाइकली कॉज द प्राइस ऑफ द स्टॉक टू. अच्छा, ये पॉजिटिव न्यूज नहीं है क्योंकि हम सबको पता था कि शेयर ये अर्निंग से कितना ज्यादा आना है, 15%. अर्निंग आई भी 15% ज्यादा, आपकी स्टॉक प्राइस क्या रहेगी, सेम. हाँ, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 15% आना है अर्निंग में इंक्रीज, और इंक्रीज आ गया 50% बढ़ जाएगी. अर्निंग में डिक्रीज आ गया इंक्रीज आने की बजाय, तब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. जितना हमने सोचा था एग्जैक्टली उतना इंक्रीज आया, तो मार्केट वैल्यू के ऊपर इंपैक्ट नहीं आएगा. पॉजिटिव न्यूज क्या होती है, जो सोचा था उसे ज्यादा अच्छा आ जाए, जो सोचा था उसे बुरा आ जाए, तो नेगेटिव न्यूज. नेक्स्ट आ जाए, लास्ट ईयर डिविडेंड कितना थी, 1.62. डिविडेंड की ग्रोथ है फॉर द नेक्स्ट 3 years 12%, और 3 year के बाद कितनी हो जाएगी, 4%, और केई कितना है, 15%. रिक्वायरमेंट्स हम बाद में देखते हैं, पहले जनरली इसको सॉल्व करते हैं. 1, 2, 3, अभी करंट ईयर में कितना है, 1.62, ऐसे ही है 1.62. नेक्स्ट 3 years के लिए कितने परसेंट में बढ़ेगा, बढ़ाए इसको 12% पे, 1.62 को 12% से बढ़ाए, क्या बनता है, 1.81, फिर नेक्स्ट 12% बढ़ाए 2.03, फिर बढ़ाए 12% से 2.27, और फिर फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स हमेशा के लिए ग्रोथ कितनी आ जाएगी, 4%. 2.27 इंटू 1.04 डिवाइड बाय 0.15 माइनस 0.04, 15% है ना. चलें इसको डिस्काउंट करते हैं, पहले सिर्फ इतने हिस्से को सॉल्व करें, इतने हिस्से को क्या आता है, इतने हिस्से को सॉल्व करें, सॉरी 21.5 ऐसे ही आ रहा है, 21.5, फिर इन सबको डिस्काउंट करते हैं किस पे, 15% पे. करंट डिस्काउंट कितना आता है, 1.57 1.53 1.50, और इसको भी थर्ड ईयर के डिस्काउंट, थर्ड ईयर का डिस्काउंट फैक्टर क्या है, थर्ड ईयर का डिस्काउंट फैक्टर क्या है, 0.658, मल्टीप्लाई करें इसे, 14.11. सो मार्केट वैल्यू कितनी आएगी, सबको ऐड कर लें, 18.75 कर लेते हैं ना, 18.75. अब जरा रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं. वैसे F9 के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वो इतना ही पूछ सकता है आपसे, लेकिन चले अब क्वेश्चन बन गया तो देख लेते हैं. पहला देखिएगा, एट द एंड ऑफ 2 year कंपनी स्टॉक विल सेल फॉर 20.64, ईयर 2 के एंड में. Dividend at the end of year 3 is expected to be 2.27.
कंपनी स्टॉक इज करंटली वर्थ 17.46, ये तो गलत है। कंपनी की अभी वर्थ कितनी निकली है? 18.75। हाँ सेकंड वाला देखें, ठीक है ये, यस। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कितना आता है जी? 2.27। तो यही आंसर है आपका, ठीक है ना। उस टाइम रिक्वायरमेंट ज़रा डिफरेंट पूछी हुई है, क्या मार्केट वैल्यू अभी 17.46 आ रही है? नहीं, सी गलत है। क्या सेकंड ईयर के एंड पे मार्केट वैल्यू 20.64 आ रही है? सेकंड ईयर पे, सेकंड ईयर पे देख लेते हैं। ये सेकंड ईयर है ना, ये सेकंड ईयर है, तो उसके बाद इतने पैसे मिल रहे हैं आपको, इन दोनों को ऐड करेंगे 20 नहीं बनता, तो एक ही ऑप्शन बचता है कि थर्ड ईयर पे आंसर है 2.27। थर्ड ईयर पे वाकई डिफरेंट कितना आ रहा है? 2.27, ये आंसर है। Which of the following statements about stock is least accurate? हाँ ये तो accurate है, ये answer नहीं है मेरे भाई, ये answer नहीं, तो ये answer नहीं है, least accurate पूछा। अच्छा अब company stock is currently worth, अब हमने A और C में से देखना, तो A और C में से देख ले। So an exam, ये जो question है इसमें ये सारी चीजें test नहीं करेगा, मतलब ये चीजें इतनी सारी, तीनों option नहीं आने। मैक्सिमम एग्जामिनर कैन आस्क टू कैलकुलेट मार्केट वैल्यू यूजिंग फ्यूचर डिविडेंड्स, फ्यूचर कैश फ्लो, तो वो कितना बनता है इस क्वेश्चन के अंदर? 18.75 बनता है, बस ये पूछ सकते हैं। कहता है कंपनी कोई डिविडेंड नहीं दे रही पहले कुछ सालों तक, पहला डिविडेंड देगी ईयर 5 पे, फिफ्थ ईयर पे, और उसके बाद से हमेशा वो कितने परसेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा? 5%। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 1, 2, 3, 4 पे तो कोई डिविडेंड नहीं है, फिफ्थ ईयर डिविडेंड है $1, और सिक्स ईयर ऑनवर्ड यही $1 का डिविडेंड कितने परसेंट बढ़ जाएगा? 5%, और दोनों को डिस्काउंट करेंगे 12% पे, 12% ही है ना, करें थोड़ा डिस्काउंट 12%, फिफ्थ ईयर का डिस्काउंट फैक्टर निकालें 0.567, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 0.567, ये आ जाएगा 0.567 ही, ये कितना आ जाएगा? 8.501, दोनों को ऐड कर दें 9.07 मार्केट वैल्यू आएगी। पहले कुछ साल तक डिविडेंड नहीं है, उसके बाद से कैश फ्लोस कितने परसेंट से बढ़ना शुरू हो गए हैं? 5%।